हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सभी एजुकेशन अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, उसके लिए आप जो है वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट में हम लोग बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं भी खुद एक एडुकेटर हूँ एट अनअकैडमी, और यहाँ पे जो है अभी डिस्काउंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग बात करेंगे 3 मंथ के, तो जो सब्सक्रिप्शन है 33% डिस्काउंट, अगर आप कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे 6 मंथ का आपको 28% और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत सारे बच्चों को फ्री भी बहुत सारे कोर्सेस मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो जो भी 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे हैं वो भी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट ईजीली दे सकते हैं। सबके लिए ये वैलिड टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट देने के बाद क्या होगा, तो बहुत ही अच्छे आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, लाइक मैकबुक एयर, आईपैड, आईफोन, अमेज़ॉन एको, अमेज़ॉन के कुछ वाउचर्स। यहाँ पे जो है नया बैच 23rd of Feb से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अल्फ़ा अचीवर्स बैच। लास्ट टाइम भी कुछ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे से, ये साल भी बहुत ही अच्छे एडुकेटर यहाँ पे है, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल करो, एनरोल के लिए कोड यूज़ करो omkar_96। यहाँ पे SSC के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एग्ज़ाम जो है 11 AM को रहता है, लेकिन 9:30 को आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना मैंडेटरी होगा। ऐसा क्यों होगा, अगर आप नहीं जाते तो क्या होगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांची काळजी घेऊन परीक्षा घेतली जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या 1.5 तास अगोदर म्हणजेच 9:30 वाजता परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे गरजेचे आहे, कारण तिथे गेल्यावर विद्यार्थ्यांची थर्मल स्क्रीनिंग तपासणी करण्यात येईल। तो बच्चों को क्यों जल्दी जाना है, वहाँ पे जाने के बाद उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा किसी का दिखता है तो उसको सेपरेटली बिठाया जा सकता है। तपासणी झाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्याला गेटवरून परीक्षा केंद्रात सोडण्यात येईल। ओके, तिथे ज्या विद्यार्थ्याच्या आरोग्याबाबत शंका उपस्थित होईल त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा हे अद्याप जाहीर झाले नाही। मतलब कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसको कुछ कोविड के सिम्टम्स है तो एक्जैक्टली उसके साथ क्या होगा वो अभी तक नहीं बताया। तसेच त्याबाबत तिथे केंद्र प्रमुख निर्णय घेतले, तो वहाँ पे जो सेंटर हेड होंगे वो डेफिनेटली वहाँ पे एक डिसिजन ले लेंगे। त्यामुळे 9:30 पेपरला जाताना विद्यार्थ्यांनी आपले सगळं आटपून नाश्ता करून परीक्षा केंद्रावर जावं लागेल। 2 वर्षानंतर ही एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप 9:30 को जा रहे हो तो आप अच्छे से खाना वगैरह खा के 9:30 को एग्जैक्ट सेंटर पे जाओ। लेट होते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।